हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी में एक बार पुनः एक्सरसाइज 3.4 लेकर आए हैं चैप्टर थ्री में आप ब्यू है और आप ब्यू का जो गुणनफल है पढ़ा रहा हूं तो चलिए देखते हैं आज कुछ के कुछ महत्वपूर्ण आप ब्यू के गुणनफल संबंधित क्वेश्चन गुणन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और शायद आप लोग उसे देखे होंगे और यदि नहीं देखें तो क्रम से देख लीजिए प्ले भी विजिट कर लीजिए और आपको ढेर सारा वहाँ से वीडियो मिल जाएगा और बेसिक्स के साथ मैंने पढ़ाया है तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी साथ में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि जो भी मैं वहाँ शेयर करता हूँ तो आप लोगों को मिलता रहेगा चलिए तो फिर आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन है आपके पास ए और बी दो आब्यू देके दे के रखे हैं हमें ए बी का और बी ए का मान निकालना है मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई करना है और बी का ए से मल्टीप्लाई करना है तो चलिए हल करते हैं सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे ठीक है ना ए बी निकालेंगे तो ए बी अर्थात आपके पास जो भी ए है मैट्रिक्स कितना है आपके पास ए मान दो चार तीन दो ये है आपके पास ए का ठीक है मान और बी का मान तो बी का मान कितना है आपके पास एक तीन माइनस दो पांच मैंने आपको समझाया था कि जो गुणनखंड होता है कैसे होता है फर्स्ट रो पहले अब का पहला जो आपका पंक्ति है दूसरे अब के पहले कालम से मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कालम तो देखिए दो का एक से तो दो एक कम दो ठीक है चार का दो से चार दोनों आठ माइनस है तो माइनस आठ ठीक है ना इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कालम तीन का यहां से दो का तीन से तो तीन दूना चार पंचे बीस प्लस कर दीजिए ठीक है ना प्लस ही करना है लेकिन ये ऋणात्मक था इसलिए मैंने ऋण किया है फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो चुका है अब देखेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो तीन एक कम तीन ठीक है और दो दूना चार ये हो गया फिर आपका होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो तीन तकाई नौ धन हो जाएगा चार पंचे सॉरी दो, प, दो पंचे दस ठीक है दो पंचे दस हो गए ये हो गया यदि इसका आंसर देखा जाए तो कितना हो जाएगा दो में यदि आठ घटाओगे तो माइनस छ आएगा ठीक है तीन में यदि चार घटाओगे तो माइनस एक आएगा बीस में छह जोड़ोगे तो छब्बीस आएगा ठीक है और दस में नौ जोड़ोगे तो उन्नीस आएगा ये आपका हो गया एक मैट्रिक्स आप बी ए बी का मान आ चुका है हमको बी ए का मान निकालना है बी ए का मान मतलब क्या करना है कि बी को से मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप बी लिख लें एक तीन माइनस दो और पांच ठीक है इसके बाद क्या लिखना है का मान लिखना है तो दो तो, चार तीन और दो हमने क्या बताया आपको गुणनखंड कैसे करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो एक दुक के दो और तीन त्रकाई नौ ठीक है ना फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम चार एक कम चार धन तीन दुना छह ठीक है ना देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दो दूना चार और पानती पंद्रह ठीक है फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दो चार दूना आठ और पांच दूना दस ये हो गया आपका कंप्लीट ठीक है ना चलिए आगे देखें तो नौ और दो कितना होगा ग्यारह होगा छह चार कितना होगा तो दस होगा पंद्रह में दी चार घटा दूध तो आएगा ग्यारह ठीक है ना और दस में दी आठ घटा दूध तो दू, तो कितना आएगा तो देखिए दोनों का अलग अलग मान है ठीक है ना ध्यान रखिएगा कोई जरूरी नहीं कि ए का मल्टीप्लाई बी से करें और बी का मल्टीप्लाई ए से करें दोनों सेम हो ऐसा नहीं है आ भी सकता है नहीं भी आ सकता याद रखिएगा तो कुछ क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए ए बी नॉट इक्वल बी ए तो फिर आपको इसी प्रकार से प्रूव करना है ठीक है देखेंगे आगे क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ए बी कैसे निकाला हमने बी ए कैसे निकालना है ये आपको माइंड में कंसेप्ट रखना है याद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इस प्रकार का जो आपका क्रम है यदि आपको माइंड में याद है तो कभी भी गुणनखंड करने में कोई सॉरी गुणन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चले तो फिर अगले क्वेश्चन पर तो देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन अब आपका है सिद्ध करना है ए बी नार्टिकल बी ए है। है, मतलब ए बी और बी ए इसमें भी निकालना है लेकिन प्रूव करना है कि दोनों बराबर नहीं है क्लियर तो चलिए कुछ ऐसे भी समीकरण आपको मिलेंगे और कुछ ऐसे भी आपको आप भी मिलेंगे जो कि प्रूफ भी होंगे लेकिन इस पे प्रूव करना है कि नहीं है बराबर तो हल करते हैं सबसे पहले ए बी निकालेंगे देखिए ए बी आई है जीरो जीरो माइनस आई है ठीक है गुणे बी का मान कितना जीरो आई जीरो हो गया ठीक कर? है चलिए करिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए ना आई का जीरो से तो जीरो जीरो का आई से तो जीरो हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आई का आई से तो आई जाएगा जीरो का जीरो से तो जीरो फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो का जीरो से तो जीरो आई का आई से तो माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहां पे जीरो और जीरो होगा मल्टीप्लाई करते सभी से बनता है यार कोई दिक्कत नहीं है ये जीरो प्लस जीरो जीरो होगा यहां पर आई स्क्वायर ही रहेगा और यहां पर हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर ठीक है और यहां पर जीरो ही रहेगा इस प्रकार से अब आप बताइए कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस एक होता है ध्यान रखिएगा आई स्क्वायर का मान माइनस एक तो जीरो है यहां पर माइनस एक हो जाएगा और जब यहां पर माइनस एक रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां पर एक आएगा ये जीरो आ गया ये आपका मान आया ए बी का मान आया किसका मान आया स्टूडेंट तो ए बी का मान आया अब हमको निकालना है बी ए का मान निकालना है ठीक है बी ए चलिए बी का मान कितना आपके पास जीरो आई आई जीरो थीके? इसके बाद आपके पास ए का मान कितना है ए एक, के ए के मान को आप यहां पर रखिए आई जीरो जीरो माइनस आई ठीक है कैसे गुणन करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जीरो और आई का जीरो जीरो तो जीरो प्लस जीरो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब जीरो और आई का ऐसे से तो, तो मतलब आई स्क्वायर तो हो जाएगा ठीक है ना फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आई का आय से तो आई स्क्वायर हो जाएगा जीरो का जीरो प्लस जीरो हो जाएगा ठीक है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम i का जीरो से तो जीरो हो जाएगा जीरो का i से तो जीरो हो जाएगा चलिए कोई बात नहीं इतना कर दिया आपने आगे देखा जाए तो जीरो से जीरो तो जीरो हो जाएगा यहां पर देखा जाए तो माइनस आई स्क्वायर आएगा नीचे देखा जाए तो आई स्क्वायर आएगा यहां पर जीरो हुआ अब यदि आप देखें तो आई स्क्वायर का मान मैंने बताया माइनस एक तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहां पर कितना हो जाएगा माइनस एक जीरो अब आप ही देखें क्या बराबर है दोनों जी नहीं यहां पर आप देख सकते हैं माइनस एक ऊपर है जबकि बी ए में माइनस एक नीचे है तो इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकला कि आप यहां पर दे दे समीकरण एक यहां आपके पास ए बी था इसको दे दे समीकरण एक ठीक है ना और आपके पास ये आया बी ए बी ए का मान आया इसको दे दे समीकरण दो समीकरण एक और दो से आप बस यहां पर लिख सकते हैं समीकरण एक व दो से क्या है ए बी नॉट इक्वल वी जी हाँ यही तो प्रूव करना था ठीक तो है ना तो प्रूव हो चुका है ना तो आशा करता हूं इस प्रकार क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए तो चलिए देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन भी सेम है लेकिन इसमें ए बी और बी ए का मान बराबर सिद्ध करना है मतलब दोनों बराबर होंगी सेम चीजें हैं ठीक है ना लेकिन ये प्रूव होना चाहिए कि दोनों क्या है बराबर है अब इसमें कई फार्मूले भी लगेंगे तो आपको संयम नहीं खोना है बस आराम से काम लेना है और बनेगा चलिए तो हल करते हैं सबसे पहले हम करते हैं ए बी का मान देखिए ए बी और बी ए सीधी करना है ए बी का मान निकालना है तो ए का पहले मान लिखिए जितना भी आप यू हो कितना है कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा थोड़ा सा मेरे लिखने की ढंग में कमजोरी है और समझने की कोशिश करें जो मैं बोल रहा हूं तो आप समझ पा रहे होंगे यहां पर है आपका कॉस् थीटा ये हो गया ए का मान ठीक है फिर मल्टीप्लाई में बी का मान करना है तो बी का मान कितना है कॉस फाइव ठीक है और यहां पे माइनस साइन फाइव है और यहां पे साइन फाइव है और फिर कॉस फाइव चलिए मैंने क्या बताया था आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कॉस थीटा कॉस फाइव कॉस थीटा कॉस फाइव हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे तो माइनस साइन थीटा साइन फाइव होगा ठीक फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, से का तो माइनस कॉस थीटा साइन फाइव हो जाएगा फिर ये माइनस का प्लस होगा तो थीटा हो जाएगा थीटा पर माइनस ठीक है ना माइनस साइन थीटा कॉस फाइव यहां पर बीच में माइनस स्टूडेंट माइनस मैं बता रहा हूं आपको ठीक है ना चलिए आगे यदि देखा जाए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो साइन थीटा कास फाइव साइन थीटा कॉस फाइव हो जाएगा ठीक है ना ध्यान दीजिए फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन थीटा कॉस फाइव बीच में प्लस होगा क्योंकि ये दोनों का प्लस ही है, तो थीटा और ये कितना हो जाएगा साइन फाइव इसके बाद आप देखें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन थीटा साइन फाइव तो माइनस साइन थीटा साइन फाइव फिर आपका हो जाएगा का थीटा कॉस फाइव अब आपको ब्रैकेट लगा देना है यदि चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन अभी कुछ आपको प्रॉब्लम होगा क्या प्रॉब्लम होगा जैसे इन दोनों में माइनस है इन दोनों में माइनस है तो प्रॉब्लम होगा और जैसे यहां पर क्या होगा तो यहां पर देख लिया जाए तो यहां पर होगा प्लस तो यहां पर इसको अरेंज करेंगे तो चलिए अरेंज कर लेते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको आपको करना क्या है इसको सेम रहने देना है कॉस थीटा और आपके पास है कॉस फाइ माइनस साइन थीटा साइन फाइ इसको थोड़ा सा अरेंज करना माइनस कामा ले लेंगे तो कोष्टक के अंदर बचेगा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन फाइ ठीक है और फिर बचेगा प्लस साइन थीटा कॉस फाइ इसके बाद ये सेम रहने दो इसको साइन थीटा कॉस फाइ प्लस कॉस थीटा साइन फाइ ठीक है यहां पर जो है प्लस वाले को पहले लिख दो कॉस थीटा कॉस फाइ माइनस है तो माइनस कर दो साइन थीटा साइन फाइ और ये लगा दो कोष्टक ठीक है ये आपका लग गया कोष्टक अब आपको यहां पर ध्यान देना है कास बी माइनस साइन ए साइन बी कास ए माइनस बी का फार्मूला है मतलब कॉस थीटा ये माइनस है ना तो प्लस का फार्मूला है कॉस थीटा प्लस इसका फार्मूला है कास ए प्लस बी का फार्मूला कास ए बी माइनस साइन ए साइन बी क्लियर ये कास ए प्लस बी का फार्मूला है चलिए इसको देखा जाए तो काश ए साइन बी प्लस साइन ए बी या कह दें साइन ए काश बी प्लस कास ए साइन बी ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है तो माइनस है तो माइनस ए प्लस बी यानी थी फार्मूलाइन ए का साइन ए प्लस बी का फार्मूला है तो साइन ए मान है थीटा और बी मान है फाइव यहां पर फिर माइनस लगा है काश बी माइनस साइन ए साइन बी तो ये भी फार्मूला किसका है कॉस ए प्लस बी का तो कॉस ए का मान है थीटा प्लस फाइव ये आपका हो चुका है आपका एबी का मान निकल चुका है एबी का मान निकल चुका है थोड़ा सा मैंने छोटे छोटे अक्षर पे लिखा है लेकिन आशा करता हूं कि आप समझ जाएंगे कोशिश करें थोड़ा सा मैंने पहले ही बता चुका है कि थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग उतना खास नहीं है जितना शायद आप लोगों का होगा बट कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाए अभी आपका आया है मान ए बी का मान ए बी का मान इसको दे दें समीकरण एक अब आपको निकालना क्या बी ए का मान निकालना है तो पहले आप बी लिखें कितना है आपके पास और इसके बाद ए लिखें और फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो अब करते हैं मल्टीप्लाई मैंने क्या बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फटाफट -पड़ करें तो कॉस फाइ कॉस थीटा यहां से हो जाएगा फिर ये माइनस का होगा तो माइनस साइन थीटा साइन फाइ ठीक है आगे देखें ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा और कितना हो जाएगा कॉस फाइ फिर यहां पे माइनस साइन फाइव कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा अगले क्रम में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आप गुणा करते बन जाएगा साइन फाइव का कॉस थीटा से होगा तो कॉस थीटा साइन फाइ ठीक है और ये आपका हो जाएगा प्लस में साइन थीटा और कॉस फाइव हो जाएगा चलिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो माइनस साइन थीटा साइन फाइव हो जाएगा फिर हो जाएगा प्लस कौस थीटा कौस फाई हो गया सेम मिल चुका है बस आपको सोचने वाली बात है ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा काश बी माइनस साइन ए साइन बी ए माइनस बी का है किसका है A -B का है सॉरी माइनस है तो प्लस होगा कास ए प्लस बी का है तो थीटा प्लस फाइव ए का मान थीटा और बी का मान फाइव है ये आपका यदि माइनस कामल ले लें तो साइन माइनस का कामल ले तो बचेगा साइन ए प्लस बी का मतलब थीटा प्लस फाइव का बचेगा ठीक है ये आपका अरेंज है पहले से ही साइन ए कास का प्लस से साइन बी है ना तो का साइन ए प्लस बी तो साइन थीटा प्लस फाइव हो जाएगा ठीक है इसके बाद यहां पर इसको इधर लिख दें इसको इधर लिख दें तो यह भी आपका बनेगा कॉस ए प्लस बी का मतलब थीटा प्लस फाइव का इस प्रकार से स्टूडेंट इसको समीकरण दो दे दो बी ए और आप देख सकते हैं समीकरण एक में भी वही चीज है और समीकरण दो में भी वही है बस आपको लिखना क्या है समीकरण एक व दो से समीकरण एक व दो से जो ए बी का मान है वो बी ए के बराबर है और यह सिद्ध हो चुका है ना तो देखिए थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करते समय धीरज रखना है पूर्वक करना है तभी तो आपसे बन पाएगा अन्यथा नहीं बनेगा ठीक है तो चले आगे की ओर अगले क्वेश्चन पर इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि एक आपके पास समीकरण देके रखा है और इस समीकरण को प्रूव करना है और आपके पास एक मैट्रिक्स है ए ए का मान देके रखा है चार दो माइनस एक एक इस पे पहले हम ए माइनस टू आई निकालेंगे ए माइनस थ्री आई निकालेंगे इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो, तो, तो चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं तो जो भी सिद्ध करना है वो आप लिख ही सकते हैं जो हमको सिद्ध करना है सबसे पहले मैं बात करता हूं ए माइनस टू आई का ए माइनस टू आई का अच्छा ए का मान कितना है मेरे भाई चार दो माइनस एक और एक ये तो एक का मान है माइनस टू अच्छा आइडेंटिटी मतलब तत्समक जो आप भी होगा तो ये भी दो पंक्ति और दो कॉलम वाला होगा तो मैंने क्या कहा विकर्ण जो अवय होगा वो एक होगा बाकी सभी के सभी सुन लोगे यही तो है तत्समक अबयु जी हाँ चार दो माइनस एक एक इसके बाद दो का मल्टीप्लाई कर दो एक कम दो जीरो जीरो दो एक कम दो अब करना क्या है घटाना है क्या करना है घटाना है चार में दो घटा दो चार में डायरेक्ट कर दें यार चार माइनस दो दो माइनस जीरो माइनस एक माइनस जीरो और एक माइनस दो तो आपके पास जो वैल्यू फाइंड होगा तो चार में दो घटाएंगे तो दो आएगा दो में जीरो घटाएंगे तो दो आएगा माइनस एक में जीरो घटाएंगे तो माइनस एक आएगा और एक में दो घटाएंगे तो माइनस एक आएगा यह आपका आया हाफ वार्ट आ गया है ना ए माइनस टू आई का मान अब हमको क्या निकालना है स्टूडेंट ए माइनस थ्री आई ए माइनस थ्री आई ए माइनस थ्री आई ए का मान जो भी रखा है देके रखा है उसको लिखें। चार दो माइनस एक और एक मान है माइनस थ्री आई तत्समक आप हमें दो पंक्ति और दो कालम का भी आप लेना है और विकर्ण क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए सॉरी एक एक होना चाहिए बाकी शेष अवयव अब जीरो माइनस दो सॉरी चार दो माइनस एक और एक हो गया तीन का मल्टीप्लाई कर दें तो तीन एक कम तीन जीरो जीरो तीन तीन एक कम 3, ये हो चुका है अब आपको माइनस करना है तो चार माइनस तीन दो माइनस जीरो माइनस एक माइनस जीरो और एक माइनस तीन कितना प्राप्त होने वाला है चार में तीन घटाओगे तो एक आएगा दो में जीरो घटाओगे तो दो आएगा माइनस एक में जीरो घटाओ तो माइनस एक आएगा और एक में तीन घटोगे तो माइनस दो आएगा ये आ चुका है ए माइनस थ्री आई का मान अब आपको क्या निकालना है दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब ए माइनस टू आई इन टू ए माइनस थ्री आई इसका मान हमको फाइंड करना है ठीक है ना तो चलिए पहले ए माइनस टू आई लिखते हैं कितना है? टू टू माइनस वन और वन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किससे वन टू टू से इससे हमको क्या करना है मल्टीप्लाई और जीरो जीरो आना चाहिए मैंने आपको क्या कहा था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दो ठीक है दो एक कम दो जी हाँ फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दो दूना चार और दो दूना चार देखिए माइनस है इसलिए माइनस कर देता हूं फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया अब देखें आप जो आपका ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना कि ये भी माइनस में है आप देख सकते हैं ये माइनस में है ठीक है ना तो अब देखना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस एक का एक से तो माइनस एक और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है ना फिर आपको गुड़ा करना है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो माइनस दो और माइनस प्लस ये हो जाएगा अब देखिए जो भी आने वाला है वो सुनसम आप भी मिलेगा कि नहीं जी हां मिल गया यही तो प्रूव करना था और ये आपका हो गया प्रूव्ड क्लियर तो जो सिद्ध करना था स्टूडेंट वो सिद्ध हो चुका है इसी प्रकार क्वेश्चन आपके बुक्स में भी होंगे जिनका भी आप रिपीट करते रहिए मैं हर बार हर वीडियो में यही कहता हूं मेरे भाइयों कि मैं जितने क्वेश्चन कराता हूं छोटे हूं बड़े हूं लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको करते चलना है चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा तो इस क्वेश्चन पे आपको समझना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना है अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे निकलेगा कोई दिक्कत नहीं डरने की जरूरत नहीं है ए स्क्वायर है मतलब ए का ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर है मतलब बी का बी से मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं चलिए हल करना स्टार्ट है, करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए प्लस बी निकालना है क्या निकालना है ए प्लस बी ए का मन कितना दिया जीरो वन वन जीरो देके रखा है b का मान कितना दिया स्टूडेंट तो जीरो माइनस ए माइनस आई है और आई है और जीरो है यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा जीरो का जीरो से तो जीरो ही आएगा कोई दिक्कत नहीं एक का माइनस आई से तो वन माइनस आई होगा ठीक है एक का आई से तो वन प्लस आई होगा जीरो का जीरो से तो ये हो गया ये एड हो गया ठीक है ना अब हमको क्या निकालना है ए प्लस वी का वर्ग वो माई गॉड ए प्लस वी का वर्ग अच्छा ये कैसे निकालेंगे भाई तो ए प्लस वी इंटू ए प्लस वी टेंशन नहीं लेना है कि टफ है कुछ भी टफ नहीं है बरक है तो बर करना है ठीक है चलिए ए प्लस बी का मान कितना है जीरो वन माइनस आई और नीचे कितना है वन प्लस आई जीरो मल्टीप्लाई करना है जीरो वन माइनस आई और नीचे वन प्लस आई ये जीरो हो गया पहले आपको करना क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चलिए फर्स्ट रो जीरो का जीरो से हो जाएगा इसका इससे होगा तो वन माइनस आई और वन प्लस आई फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जीरो का जीरो से और इसका जीरो से तो जीरो प्लस जीरो आएगा इसका आसान है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसका मल्टीप्लाई जीरो से तो जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई से तो जीरो कुछ भी कठिन नहीं है दिखने को टफ है बाकी कुछ भी नहीं है यार मेरे भाई फिर देखो सेकेंड रो सेकेंड कालम तो वन प्लस आई और वन माइनस आई फिर जीरो का जीरो तो जीरो हो जाएगा बस आपको एक फार्मूला यहां पर याद रखना है ये जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं इसको हटाओ ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला होता है ठीक है ना जीरो प्लस जीरो जीरो होगा यहां जीरो होगा और यहां ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर मतलब एक एक कम एक और बी स्क्वायर मतलब आई स्क्र ये हो चुका है आपका अब आई स्क्वायर का मान कितना माइनस एक तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा जीरो जीरो वैल्यू कितना फाइंड हो रहा है तो वान वान और गया जीरो और ये आपके पास जीरो और वन वन टू तो ये आपका आ चुका है ए प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर आया है ठीक है ना मतलब टू जीरो जीरो टू अब आपको निकालना क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे और इसके बाद बी स्क्वायर निकालेंगे चलिए फटाफट करते हैं तो अब ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए ए कितना है आपके पास वन जीरो वन सॉरी जीरो वन वन जीरो इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे जीरो वन वन जीरो से चलिए फटाफट पट करके दिखाओ भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कालम जीरो का जीरो से एक एक कम एक बचेगा केवल एक फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहां कुछ ना आएगा जीरो आएगा फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एक का जीरो जीरो का एक से जीरो आएगा कुल मिलाकर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो आएगा एक आपका आ चुका है ए स्क्वायर जल्दी में कर रहा हूं ना ए स्क्वायर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कई गुणा करते आ रहे हो आप आपसे बन जाना चाहिए बी स्क्वायर मतलब बी का गुणा बी से बी का गुणा बी से. से मतलब जीरो माइनस आई है आई है और जीरो है इसका मल्टीप्लाई करना जीरो माइनस आई से और आई जीरो से चलो यह करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो का जीरो से आई का आई से तो माइनस आई स्क्वायर बचेगा जी हा इसके बाद करो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जीरो का आई से आई का जीरो से तो कुल मिलाकर जीरो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आई का जीरो से जीरो का आई से तो जीरो फिर आई का i से जीरो का जीरो तो माइनस आई स्क्वायर अच्छा एक काम करो आई स्क्वायर का मान तो माइनस एक होता है और माइनस पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जीरो जीरो माइनस माइनस प्लस अब देखें ए स्क्वायर का मान भी आ गया और आपके पास बी स्क्वायर का मान भी आ चुका है ठीक है तो अब हमको क्या निकालना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जल्दी से कर दीजिए भैया ए स्क्वायर का मान वन जीरो जीरो वन प्लस वन जीरो जीरो वन एड कर दो एक और एक कितना होता है दो जीरो जीरो दो एड करते बन रहा होगा आपसे सेम प्लेस वालों को जोड़ना है इसको समीकरण एक दे दो और इसको दे दो समीकरण दो और आप देख सकते हो समीकरण एक और दो से समीकरण एक और दो से बस आपको इतना लिख देना है समीकरण एक व दो से क्या प्रूव हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर या इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। तो जो सिद्ध करना था मेरे भाई प्यारे भाइयों का होल स्क्वायर बराबर तो आप लोग प्रूव कर लिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ठीक है और व्हाट्सअप नंबर तो बहुत सारे लोगों को पता ही है ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा जुड़ ले जुड़ लेना और फेसबुक में भी जुड़ना है तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरा नाम शिवराज पटेल है तो शिवराज पटेल शिव करके आप डालोगे तो मेरा डीपी लगा हुआ है तो वहां पर आप ठीक है ना तो जुड़ जाइए और फिर आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दिया करो और कमेंट करना ना भूला करें ताकि थोड़ा हमें भी अच्छा लगे कैसा लगता है आपको वीडियो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो चलते हैं स्टूडेंट फिर मिलते हैं मिलता वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक ले जय हिंद बंद मातरम